आज हम चर्चा करेंगे थ्री लेटर वर्ड्स बच्चों को कैसे सिखाएं, इस पर सीबीसी वर्ड्स क्या होते हैं, थ्री लेटर वर्ड्स क्या होते हैं, थ्री लेटर वर्ड्स कैसे मीनिंगफुल हैं, बच्चा कैसे टू लेटर ब्लेंडिंग के बाद थ्री लेटर ब्लेंडिंग, टू लेटर ब्लेंडिंग समझने के बाद थ्री लेटर ब्लेंडिंग कैसे बनाता है, सारी बातों को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत वैल्यूबल होगा। बहुत सारी स्पेलिंग्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है, स्लाइड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाए हैं, सब हिंदी में है, इजीली आसान भाषा में आप समझ सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि सीवीसी पैटर्न क्या होता है, इसे समझते हैं। तो सीवीसी पैटर्न इज एक्चुअली मेड अप ऑफ कॉन्सनेंट वॉवल कॉन्सनेंट, मतलब जो भी थ्री लेटर वर्ड्स होते हैं उनका बिगिनिंग साउंड कॉन्सनेंट होता है, उनका मिडिल साउंड वॉवल होता है और लास्ट साउंड कॉन्सनेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, क और प हमारे क्या है, कॉन्सनेंट्स हैं और ए वॉवल है। तो इसमें बच्चा ब्लेंडिंग के थ्रू कैसे पढ़ता है किसी वर्ड को, हम ये सीखते हैं। तो सीवीसी वर्ड को पढ़ाने का मेन एम सबसे पहला ये होता है कि चाइल्ड किसी भी वर्ड को होल वर्ड पढ़े, वो होल, इसको अगर हम कैप देते हैं तो उसको वो कैप पढ़े, उसको तोड़ के ना पढ़े, मतलब उसके इंडिविजुअल साउंड से ना पढ़े। तो ये कैसे कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि पहला पहले चाइल्ड सारे लेटर्स को साउंड से ही पढ़ता है, तोड़ के ही पढ़ता है, तो ये केवल और केवल ब्लेंड से पॉसिबल होगा। तो हम उसे ब्लेंडिंग के थ्रू समझाएंगे कि वो कैसे थ्री लेटर वर्ड्स पढ़ेगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज हमारे सामने मैट एग्जाम्पल है, हम चाइल्ड को तीन लेटर दे देते हैं या तीन लेटर के फ्लैश कार्ड दे देते हैं मैट, और इनको साथ रख देते हैं। तो अब हम उससे बोलते हैं कि इसे पढ़ो। तो सबसे पहला चाइल्ड, पहला प्रोसेस उसका क्या होगा सीवीसी पैटर्न में, सबसे पहला चाइल्ड का पहला स्टेप यही होगा कि वो नेचुरली हर लेटर के साउंड को से पढ़ेगा। तो पहले वो बोलेगा म, फिर बोलेगा ए, फिर बोलेगा ट। तो अब हम उससे टू लेटर ब्लेंडिंग को रिकॉल करवाएंगे कि हम लास्ट टू साउंड को कैसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो वो कुछ बच्चे पिकअप कर लेते हैं और देखते हैं कि ए और ट है तो इसको तो ब्लेंड कर सकते हैं, तो एट हो जाएगा। तो बट कुछ बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे कर लेते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं म एट मैट, बट जो बच्चे पिकअप नहीं कर पाते हैं वो ब्लेंडिंग के थ्रू उसको समझाना पड़ेगा, म एट मैट मीन्स म एट, यहाँ ब्लेंडिंग करना है मैट, इस तरह से हम उसको बताते हैं। तो सबसे पहले चाइल्ड किसी भी लेटर के साउंड को इंडिविजुअली पढ़ेगा, फिर उसको ब्लेंडिंग की जरूरत पड़ेगी, उसको हमें ब्लेंडिंग फिर से रिकॉल कराना पड़ेगा। आफ्टर ब्लेंडिंग इट, वो अभी यहाँ थ्री लेटर ब्लेंड कर रहा है, मतलब म एट मैट, म एट मैट। तो इस तरह से हम सीवीसी पैटर्न में बच्चों को वर्ड पढ़ाना सिखाते हैं। तो बच्चा जब सीवीसी पैटर्न की प्रैक्टिस कर लेगा तो वो जब मैट को देखेगा तो डायरेक्टली म एट नहीं पढ़ेगा, मैट पढ़ेगा, वो प्रैक्टिस के बाद इजीली वो करने लगेगा। और एक और बात बताना चाहती हूँ कि सीवीसी वर्ड, इन सीवीसी वर्ड द वॉवल इज ऑलवेज शॉर्ट वॉवल, मतलब जो भी सीवीसी वर्ड, मतलब जो भी वर्ड कॉन्सनेंट वॉवल कॉन्सनेंट को फॉलो करेगा उसका वॉवल जो होगा वो हमेशा शॉर्ट होगा। तो कहीं भी अगर बड़े वर्ड में भी कॉन्सनेंट वॉवल कॉन्सनेंट आता है तो वॉवल ऑलवेज शॉर्ट होगा। तो इसे हम शॉर्ट वॉवल का की वीडियो भी समझ सकते हैं। तो आप इसे, तो मैंने सारे सीवीसी वर्ड के पॉसिबल पैटर्न्स को, सारे वॉवल के सारे पॉसिबल पैटर्न्स को कवर किया है आगे की स्लाइड्स में। तो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ब्लेंडिंग में ए वॉवल का जो जितने पॉसिबल पैटर्न्स थे वो मैं कवर कर रही हूँ यहाँ पे। तो पहला पहला पैटर्न है एम एम, अब मैं इंडिविजुअल नहीं बोलूंगी, इसको बोलूंगी एम, तो साउंड ऑफ शॉर्ट वॉवल ए एम। तो यहाँ पे कॉन्सनेंट है, यहाँ पे वॉवल कॉन्सनेंट है, दिस इज द ब्लेंडिंग ऑफ टू लेटर, और यहाँ पर पॉसिबल ऑल वर्ड ऑफ एम, तो यह
am, yam. R, am, ram. J, am, jam. H, am, ham. D, am, dam. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्सनेंट वोवल कॉन्सनेंट बनाने की बच्चा कोशिश कर रहा है, किसकी मदद से, इंडिविजुअली कॉन्सनेंट और वोवल कॉन्सनेंट साउंड की मदद से। तो मैंने कुछ और वर्ड्स भी यहाँ कवर किए हैं, जो भी हार्ड वर्ड हैं उनके मीनिंग भी लिख दिए हैं, ताकि अगर बच्चा इन बिटवीन स्लाइड के इस वीडियो को देखते टाइम आपसे पूछे कि इसका क्या मतलब है, तो आप यहीं से मीनिंग मिल, आपको दूसरी साइड डिक्शनरी देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने हार्ड वर्ड के मीनिंग्स लिख दिए हैं। तो यैम, रैम, जैम, हैम, डैम, म एम मैम, क एम कैम, ल एम लैम, ब एम बैम। अब हम देखेंगे ए साउंड का, मतलब वोवल ए का एड एड पैटर्न, एड एड पैटर्न। तो हमारे ये कॉन्सनेंट है, ये वोवल कॉन्सनेंट है, ये हमारे मेन वर्ड कॉन्सनेंट वोवल कॉन्सनेंट है। तो एड में अगर हमने ल जोड़ा तो ल एड लैड, ल एड लैड, ऐसे ही बच्चों को आपको बताना है, ल एड लैड, स एड सैड, प एड पैड, ब एड बैड, ड एड डैड। सिमिलरली म एड मैड, क एड कैट, व एड वैट, ट एड टैट। अब हम ए वोवल काफ़ी लंबा है, तो ए वोवल का नेक्स्ट पैटर्न है एग एग। तो अभी हम वोवल कॉन्सनेंट को अलग नहीं पढ़ेंगे, व एग वैग, ट एग टैग, र एग रैग, न एग नैग, ब एग बैग। यहाँ पर हमने क्या देखा, सिमिलरली सम मोर वर्ड्स आर हियर, ग एग गैग, ज एग जैग, ल एग लैग, स एग सैग। अब साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल ए का नेक्स्ट पैटर्न है एन एन एन, प एन पैन, म एन एन मैन, क एन कैन, F and fan, V and van। तो आप चाहे तो P plus an भी लिख सकते हो, तो बच्चा समझेगा कि हम an में P जोड़ रहे हैं, तो P A N pan, P an pan समझेगा। तो M plus an भी कर सकते हो, अगर आप उसको राइटिंग फॉर्म में वर्कशीट बना के देते हो तो आप P plus an करके भी एक वर्कशीट बना सकते हो। तो pan, man, can, fan, van। व डब्ल्यू का साउंड क्या होता है, व व एन वैन, प एन बैन, न एन नैन एंड ट एन टैन। अब हम शॉर्ट शॉर्ट वोवल ए का साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल ए का एप 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 पैटर्न के ऊपर चर्चा करेंगे, ट एप टैप, न एप नैप, क एप कैप, म एप मैप, ल एप लैप। तो सिमिलरली सम मोर वर्ड्स आर हियर, स एप सैप, र एप रैप, ग एप गैप, य एप यैप। अब हम देखेंगे साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल ए का ए का at series, at at, r at rat, r at rat, k at cat, b at bat, s at sat, m at mat, f at fat, p at pat।
डैट, न एट नैट। अब हमारा नेक्स्ट साउंड आता है ई। तो ए के जितने भी पॉसिबल पैटर्न्स है उस पे मैंने अलग अलग पेजेस बनाए हैं। आप बच्चे को ये वर्ड की प्रैक्टिस करा सकते हो। तो हम साथ में पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ। ब ड एड, ब एड बेड, ल एड लेड, फ एड फेड, र एड रेड, व एड वेड, न एड नेड, ट एड टेड, क एड कैड, म एड मैड। साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल यानी ई का की सीरीज में नेक्स्ट नेक्स्ट पैटर्न है एग, एग। तो अब मैं इसको एग ही पढ़ूंगी। ल एग लेग, ल एग लेग, म एग मैग, प एग पेग, ब एग बैग, क एग कैग, र एग रेग, न एग नेग, ट एग टैग, स एग सेग। साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल ए की मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पैटर्न पे कवर करूँ। नेक्स्ट पैटर्न पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैटर्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है ए न एन, ह एन हैन, प एन पेन, म एन मैन, ट एन टेन, ड एन डेन। सिमिलरली सम मोर वर्ड्स चाहिए। ब एन बेन, क एन कैन। साथ में मीनिंग्स भी लिखी है। आप मीनिंग्स भी अगर बच्चा पूछता है तो आप मीनिंग्स बता सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल ए का साउंड है ए प एट पेट, व एट वेट, न एट नेट, ज एट जेट, व एट वेट। सिमिलरली सम मोर वर्ड्स है, ग एट गेट, स एट सेट, ल एट लेट, ह एट हेट। नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट साउंड पे बढ़ते हैं। अब हमारा नया तीसरा साउंड स्टार्ट हो रहा है। आई को क्या बोलते हैं? ई। साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल आई इज ई ब इब। तो ये पैटर्न हम कवर करते हैं यहाँ पे। तो अब मैं ई और ब को साथ मिला के पढ़ूंगी, ई ब इब। तो ब इब में ब जोड़े तो इब में ब ऐड करे तो ब इब बिब, ल इब लिब, र इब रिब, न इब निब, ज इब जिब। सिमिलरली सम मोर वर्ड्स आर हियर। फ इब फिब, ग इब गिब, स इब सिब। साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल आई की नेक्स्ट सीरीज में हम देखते हैं ई ड इड पैटर्न। तो अभी मैं ई और ड को अलग अगर ज्वाइन करूँ तो क्या बनेगा? इड। तो अब मैं पूरे स्लाइड में इड पढ़ूंगी। ब इड बिड, ह इड हिड, क इड किड, ड इड डिड, ल इड लिड। सिमिलरली व इड विड, र इड रिड, य इड यिड। नेक्स्ट साउंड नेक्स्ट सीरीज है साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल आई सीरीज में हम ई ग साउंड को कवर करेंगे। ई ग इग, ब इग बिग, ड इग डिग, फ इग फिग, र इग रिग, व इग विग। सिमिलरली ग इग गिग, ज इग जिग, प इग पिग। नेक्स्ट साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल आई की नेक्स्ट आई की सीरीज में नेक्स्ट पैटर्न है इन इन। तो अब हम इन पैटर्न पे ध्यान देंगे। ब इन बिन, ट इन
tin. F-in, fin. S-in, sin. F-in, win. Bin, tin, fin, sin, win. D-in, din. P-in, pin. Next sound, sound of short vowel आई सीरीज में हम इप पैटर्न पे चर्चा करेंगे, इप पैटर्न को कवर करेंगे। ई प इप, तो ड इप डिप, ह इप हिप, ल इप लिप, न इप निप, स इप से। सिमिलरली ट इप डिप, ज इप जिप। नेक्स्ट साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल आई की आई सीरीज में हम इट पैटर्न को कवर करेंगे। ई और ट मिलकर क्या बनेगा? इट। तो अब हम सारे वोवल कॉन्सोनेंट को इट से कहेंगे। तो प इट पिट, फ इट फिट, ह इट हिट, क इट किट, ल इट लिट, ब इट बिट, स इट सिट, व इट विट। साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल आई की नेक्स्ट सीरीज में हम एक्स पैटर्न ई एक्स मिलकर के एक्स पैटर्न को कवर करेंगे। म एक्स मिक्स, फ एक्स फिक्स, स एक्स सिक्स, न एक्स निक्स। फाइनली आई साउंड फिनिश हुआ, ई साउंड। अब हम साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल ओ की तरफ आते हैं। अ ऑट, 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 क ऑट, कॉट, ड ऑट, डॉट, ह ऑट, हॉट, ल ऑट, लॉट, प ऑट, पॉट। ग सिमिलरली सम मोर वर्ड्स आर हियर। ग ऑट गॉट, ज ऑट जॉट, ट ऑट टॉट, र ऑट रॉट। अब हम साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल ओ सीरीज में ऑब पैटर्न को पढ़ेंगे। ऑब ऑब और ब मिलकर के ऑब बन रहा है। क ऑब कॉब, र ऑब रॉब, स ऑब सॉब, ज ऑब जॉब, म ऑब मॉब। और सिमिलरली सम मोर वर्ड्स आर हियर। ग ऑब गॉब, ल ऑब लॉब। साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल ओ सीरीज में हम ऑग ऑग पैटर्न को पढ़ेंगे। ज ऑग जॉग, क ऑग कॉग, ड ऑग डॉग, फ ऑग फॉग, ह ऑग हॉग। सिमिलरली ल ऑग लॉग, ब ऑग बॉक। साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल ओ सीरीज में हम ओ प ओ पैटर्न को देखेंगे। क ऑप कॉप, म ऑप मॉप, ट ऑप टॉप, ह ऑप हॉप, प ऑप पॉप। सिमिलरली स ऑप सॉप, फ ऑप फॉप, ल ऑप लॉप। साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल ओ सीरीज में हम ऑक्स पैटर्न को देखेंगे। तो ब ऑक्स ऑक्स, ओ एक्स ऑक्स, ऑक्स ऑक्स ऑक्स, ब ऑक्स बॉक्स, फ ऑक्स फॉक्स, प ऑक्स पॉक्स, क ऑक्स कॉक्स। मैंने यहाँ पे दो बार कॉक्स लिखा है क्योंकि कॉक्स थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड था, तो उसकी मीनिंग मैंने यहाँ लिख दी है। तो व ऑक्स वॉक्स, ल ऑक्स लॉक्स। फाइनली वो फिनिश हो गया, वो साउंड मतलब अ साउंड फिनिश हो गया। अब हम यू वॉवल अ साउंड के अट सीरीज को अ सीरीज के अट पैटर्न को देखेंगे। अट अट, तो ब अट बट, क अट कट, ग अट गट, ह अट हट,
न अट नट, ट अट टट, र अट रट। साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल यू मतलब अ की सीरीज में हम अ ब पैटर्न को पढ़ेंगे। अ ब अब, अ ब अब, क अब कब, ह अब हब, ट अब टब, र अब रब, स अब सब, ड अब डब, न अब नब, प अब पब। साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल यू मतलब उसके साउंड अ सीरीज में हम अ ग पैटर्न को पढ़ेंगे। अ ग अग, ब अग बग, ड अग डग, ह अग हग, ज अग जग, म अग मग, ल अग लग, प अग पग, र अग रग। साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल यू के साउंड अ सीरीज में हम अ म अम को के पैटर्न को समझेंगे। स अम अम, स अम स अम, सम ग अम गम, ह अम हम, र अम रम, म अम मम। सिमिलरली व अम वम, या अम यम। साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल यू मतलब अ की अ सीरीज की अ न अन पैटर्न को समझेंगे। अ न अन, ब अन बन, फ अन फन, ग अन गन, न अन नन, स अन सन, प अन पन, र अन रन। सिमिलरली साउंड ऑफ शॉर्ट वोवल यू मतलब अ के अ की अड 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 सीरीज को समझेंगे, अड पैटर्न को समझेंगे। दीज आर अड, ब अड बड, क अड कड, ड अड डड, म अड मड, क अड कड, ड अड डड। तो हमारा सी वी सी पैटर्न यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने कॉन्सनेंट वॉवल कॉन्सनेंट के सारे वॉवल के सारे पैटर्न्स को कवर किया है स्लाइड में। आप हर दिन बच्चे के साथ एक साउंड स्टार्ट कीजिए, एक ब्लेंड स्टार्ट कीजिए, उससे रिलेटेड सारे थ्री लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाइए। बच्चा अपने आप रीड करने लगेगा। तो अगर आप पूरे पूरे वीडियो को फॉलोअप करेंगे, मैंने ऑलमोस्ट हर पॉसिबल पैटर्न्स को, हर पॉसिबल ग्रुप को कवर किया है इन वीडियोस में। अगर मुझसे कुछ छूट भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने ये कवर नहीं किया है तो इसका क्या होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिख के आपको बता दूंगी। तो आप मेहनत कीजिए टू लेटर ब्लेंडिंग से। सबसे पहले लेटर के साउंड को समझाइए, फिर ब्लेंड को समझाइए, फिर ब्लेंड के बाद ब्लेंड को क्या बोलते हैं, वॉवल कॉन्सनेंट 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 ये समझाइए, फिर मेन पैटर्न पे आइए। सी वी सी मतलब हमारे थ्री लेटर वर्ड्स, कॉन्सनेंट वॉवल कॉन्सनेंट, उससे कितने वर्ड्स मिले। कैन यू इमेजिन आपने इस पूरे वीडियो में कितने वर्ड्स पढ़ लिए, कितने वर्ड्स आप जान गए। इन सारी स्लाइड से आपने 209 वर्ड्स सिखाया है बच्चे को। तो इस वीडियो से आपको 209 न्यू वर्ड्स मिले। थैंक यू सो मच, आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा। अगर आपको ये मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट्स मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉन्ग ओवर को कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।